मध्य प्रदेश की खजुराहो लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के विष्णु दत्त शर्मा ने करीब 5 लाख मतों से विजय प्राप्त की है। वी डी शर्मा ने कांग्रेस की कविता सिंह को पराजित किया है। विष्णु दत्त शर्मा की खजुराहो से उम्मीदवारी की एक पूरी कहानी है। खजुराहो से टिकट मिलने के बाद भी विष्णु दत्त शर्मा को स्थानीय छतरपों के विरोध का सामना करना पड़ा था, लेकिन इन सब चुनौतियों का सामना करते हुए बी डी शर्मा ने सफलतापूर्वक भारी बहुमत से अपने संसदीय जीवन की शुरुआत की। आरएसएस के नजदीकी समझे जाने वाले विष्णु दत्त शर्मा को संगठन का तगड़ा अनुभव है। विष्णु दत्त शर्मा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय महासचिव रहे हैं, मध्य प्रदेश भाजपा के संगठन सचिव हैं, मुरैना के नेहरू युवा केंद्र के प्रमुख भी रहे हैं। विष्णु दत्त शर्मा आरएसएस की मदद से पिछले काफी समय से चुनावी राजनीति में दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे। 2018 के विधानसभा चुनाव में विष्णु दत्त शर्मा को भोपाल के गोविंदपुरा से टिकट दिलाने की कोशिश की गई थी, लेकिन निवर्तमान विधायक बाबूलाल गौर ने स्टैंड ले लिया। पार्टी ने 86 साल की उम्र में बाबूलाल गौर को टिकट देने से साफ मना कर दिया। इस पर बाबूलाल गौर ने अपनी पुत्रवधु कृष्णा गौर को आगे कर दिया। मध्य प्रदेश के चंबल इलाके के मुरैना से संबंध रखने वाले विष्णु दत्त शर्मा ने अपने गृह क्षेत्र से लोकसभा का टिकट पाने के लिए दावा जताया था, लेकिन केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने मुरैना की टिकट प्राप्त करने में सफलता प्राप्त कर ली। नरेंद्र सिंह तोमर अपने संसदीय क्षेत्र ग्वालियर में विरोध का सामना कर रहे थे, पर विष्णु दत्त शर्मा ने ग्वालियर का रुख किया, लेकिन आरएसएस के नजदीकी मेजर विवेक ग्वालियर से टिकट दे उड़े। इसके बाद विष्णु दत्त शर्मा को भोपाल से उम्मीदवार बनाने का प्रयास किया गया, लेकिन कांग्रेस द्वारा भोपाल से दिग्विजय सिंह को मैदान में उतारने के बाद विष्णु दत्त शर्मा का नाम वापस ले लिया गया। इस बीच विष्णु दत्त शर्मा को भाजपा के गढ़ विदिशा से टिकट देने की बात भी चली, लेकिन अंतिम समय पर विष्णु दत्त शर्मा को खजुराहो से टिकट दिया गया। खजुराहो में विष्णु दत्त शर्मा का मुकाबला छतरपुर राजघराने की बहू महारानी कविता सिंह से था। कविता सिंह खजुराहो नगर परिषद की अध्यक्ष हैं। नाती राजा के नाम से मशहूर कविता सिंह के पति विक्रम सिंह राजनगर से तीसरी बार विधायक चुने गए हैं। कविता सिंह के मायके भी खजुराहो लोकसभा सीट के तहत आने वाले पन्ना विधानसभा में हैं। इसके अलावा कविता सिंह की उम्मीदवारी की घोषणा भी काफी पहले हो गई थी। इसके विपरीत विष्णु दत्त शर्मा को टिकट मिलने में काफी देरी हुई। खजुराहो आने के बाद विष्णु दत्त शर्मा का भारी कहकर विरोध शुरू हो गया। विष्णु दत्त शर्मा के पुतले जलाए गए, बी डी शर्मा वापस जाओ के नारे लगे। कई विधायकों और टिकट के दावेदारों ने बी डी शर्मा का टिकट काटने की मांग की। कुछ भाजपा नेताओं ने इस्तीफे भी दे दिए, लेकिन पार्टी चट्टान की तरह विष्णु दत्त शर्मा के साथ खड़ी रही। मध्य प्रदेश में आरएसएस ने जिन कमजोर सीटों को निकालने के लिए दिन रात एक किया था, उनमें खजुराहो भी शामिल है। परिणाम विष्णु दत्त शर्मा की भारी जीत के रूप में सामने है। विष्णु दत्त शर्मा को चुनावी राजनीति में लाकर भाजपा ने मध्य प्रदेश के जातीय समीकरण साधने की कोशिश की है। राज्य की बुंदेलखंड क्षेत्र की खजुराहो सीट पर ठाकुर प्रभुत्व पर विष्णु दत्त शर्मा के जीतने से रोक लगेगी। राज्य की राजनीति भी पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, नंद कुमार सिंह चौहान और राकेश सिंह जैसे ठाकुर नेताओं की पकड़ में है। एमपी बनने के बाद विष्णु दत्त शर्मा राज्य की राजनीति में ब्राह्मण नेता के रूप में स्थापित हो पाएंगे। विष्णु दत्त शर्मा पर मध्य प्रदेश के अन्य ब्राह्मण नेता गोपाल भार्गव, नरोत्तम मिश्रा, राजेंद्र शुक्ला और सीता शरण शुक्ला को साथ लेकर चलने की जिम्मेवारी होगी। खजुराहो दुनिया भर में अपने मंदिरों की स्थापत्य कला के लिए विख्यात है। भाजपा की ओर से उमा भारती 4 बार खजुराहो से चुनकर लोकसभा में गई है। कांग्रेस की ओर से सत्यव्रत चतुर्वेदी और उनकी माता विद्यावती चतुर्वेदी खजुराहो से चुनाव जीत चुके हैं। खजुराहो के मतदाता अक्सर पार्टियों द्वारा थोपे गए बाहरी उम्मीदवारों को चुनने के लिए अभिशप्त है। देखना है कि चंबल से आकर बुंदेलखंड की राजनीतिक जमीन पर पाव रखने वाले विष्णु दत्त शर्मा आर्थिक रूप से पिछड़े इस इलाके के मतदाताओं के कितना भला कर पाते हैं। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय भी कमेंट बॉक्स में दर्ज कराएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबा दें ताकि हमारे हर एक नए वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद।